रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे खतरनाक महायुद्ध के बीच जो भारतीय यूक्रेन से घर पहुंच रहे हैं वो खुद को किस्मत वाला समझ रहे हैं। वतन वापसी की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिख रही है। एक ऐसे ही छात्रा को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है कशिश चौधरी जो यूक्रेन में डॉक्टरी कर रही है, लेकिन इसने भी वापसी आने की उम्मीद छोड़ दी थी। फिर भी ये किसी तरह से घर पहुंची है जहां पर इसका फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से स्वागत हुआ है। कशिश ने अपने घर वापसी का सारा श्रेय मोदी सरकार को दिया है। और यूक्रेन का आज युद्ध का छठा दिन है। छठे दिन में कई पूरी दुनिया हिल गई है और ऐसे में भारतीय छात्र भी वहां पर यूक्रेन में फंसे हुए थे। ऐसे ही मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल की एक छात्रा जो यूक्रेन में अपनी पढ़ाई करने के लिए गई थी, वो आज हम सकुशल अपने परिवार के बीच लौट आई है। हम उन्हीं से बात करेंगे। यहां की छात्रा जो इसका नाम है कशिश चौधरी। हम कशिश जी, कैसा लग रहा है आपके परिवार, आप परिवार के बीच में आई हैं, कैसा लग रहा है? परिवार के बीच आकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब मीन्स मोदी जी की वजह से ही आज मैं अपने परिवार के साथ में हूँ, क्योंकि मोदी जी है तो सब मुमकिन है। आप बताइए, अपने बारे में परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। क्या कब से थी आप पढ़ाई कर रही थी और कौन सी पढ़ाई के लिए आप गई थी? मैं कशिश चौधरी, मैं टर्नोपिल यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रही थी और मेरे को अभी थर्ड ईयर चल रहा है मेरा वहाँ पे। और मैं अभी 24 तारीख के दिन से वहाँ से निकली थी और अब आज घर पहुँची हूँ। कैसा महसूस कर रही हैं आप अपने परिवार के बीच में पहुँच कर? बहुत अच्छा, एकदम सेफ। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? मेन इंडियन गवर्नमेंट, मोदी जी और इंडियन एम्बेसी एंड हमारा एजेंट डॉक्टर प्लस एडुकेशन। अच्छा, और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? ये जो 6 दिन जो बीते हैं, कैसा महसूस किया था और क्या लगा था आपको, आप वापस घर आएंगे ऐसा कुछ? हमने तो पूरी होप छोड़ दी थी कि अब हम घर आ ही नहीं पाएंगे, लेकिन फिर मीन्स हम जब घर टर्नोपिल से निकले थे तो इतना ट्रैफिक था कि हमको बस वालों ने 40 किलोमीटर दूर उतार दिया था। फिर 40 किलोमीटर हम पैदल चल के गए थे। फिर यूक्रेन की बॉर्डर पे हमको यूक्रेनियन जो आर्मी थी वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रही थी, वो हमको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। हमारे सामने गन ला रही थी, गन से हमको डरा रही थी। फिर कार हमारे ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रही थी वो बड़ी। और फिर वहाँ पे हम रात भर रोड पे बैठे जंगल के बीच में, -12 टेम्परेचर था, ठंड थी, इतनी बारिश हो रही थी, बर्फ गिर रही थी, और पूरी रात में रोड पे न खाने का था न पानी था। इस और फिर पूरी रात पूरा दिन वहीं पे बैठे और फिर बाद में हम बड़ी मुश्किल से वहाँ यूक्रेनियन बॉर्डर से निकले। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल की कशिश चौधरी यूक्रेन से निकलकर थांदला पहुंची तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कशिश के मुताबिक यूक्रेन में अब हालात काफी खराब हैं और अभी भी खारकीव जैसे शहरों में काफी भारतीय फंसे हुए हैं, इसलिए सरकार को उन छात्रों को निकालने का भी प्रयास करना चाहिए। लिहाजा पूरे परिवार ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री का खुले दिल से धन्यवाद किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए झाबुआ से जावेद खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।